Hey everyone, welcome to my channel. फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है संडे और आज है 9 तारीख और हम लोग पहुंच गए थे मुंबई 20 को। काम पे भी 20 को आ गई थी मैं और दो संडे अभी चला गया, लेकिन मैं दोनों संडे नहीं निकली थी, मतलब नहीं निकली क्योंकि बारिश भी ना, आज थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है। वैसे बारिश का मौसम तो है लेकिन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और थोड़ा उतना तो घूम के आई थी ना गांव से, इसलिए मैं नहीं निकली दो संडे बाहर। तो आज निकल रही हूँ और आज है 9 तारीख। तो देखते हैं ये बारिश के मौसम में अपन मुंबई में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो फिलहाल तो निकल चुकी हूँ, चलिए आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ और देखते हैं कहाँ चलते हैं घूमने के लिए। फिलहाल तो मेरे को पता नहीं है, बस यहाँ से डायरेक्ट स्टेशन, फिर स्टेशन से सोचना पड़ेगा। तो निकल चुकी हूँ मैं पैदल, आज बस में नहीं जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, बने रहिए। और बहुत ही सुंदर मौसम लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर। तभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और लेकिन तुरंत बारिश होने लगा। यार ये क्या ही बोले मुंबई का मौसम, लगता है पूरे बारिश वरना अच्छे से घूम ही नहीं सकते। तो बारिश हो रहा है एकदम, अभी अचानक से एकदम बारिश। तो ऐसे पूरे 2 महीने के बाद मैं घूमने के लिए जा रही हूँ मुंबई में, देखते हैं सफ़र कैसे होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश खुश लग रहा है, मेरे को हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है मेरे को। पर बारिश बारिश में घूमने के लिए जा रही हूँ। तभी 1 मिनट पहले बारिश हो रहा था और अभी ही ना बंद हो गया। तो यही है मुंबई का बारिश, एक एक मिनट एक एक सेकंड में ऐसे। तो मेरा आना होता है और हमेशा ट्रेन छूटना होता है, टिकट लेते लेते छूट गई, थक भी गई यार इतना बारिश में भी ना। इधर पता है बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना पसीना हो गई। तो आज ग्रीन तालाब घूमते हुए, तो ये ग्रीन तालाब में ना वहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोग बहुत ज़्यादा नहा रहे हैं और सब साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो पिछली बार आए थे ना तो थोड़ा सा पानी भी कम था और थोड़ा ज़्यादा गंदा दिख रहा था, और इस बार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ना शायद मच्छी भी है, मछली मार रहे हैं। तो यहाँ पे कबूतर ना एकदम पास पास में डर से भागता भी नहीं है, पता है मेरे मुंडे के ऊपर ऊपर बहुत अच्छे से तालाब इधर होने। अभी आ चुकी हूँ पटवर्धन पार्क पूरे 2 महीने के बाद ना, और बीच वालों को पता नहीं क्यों बंद कर दिए हैं, नहीं तो बीच में बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए, पूरा ग्रीन ग्रीन। काम नहीं करने से तो ना बहुत चेंज हो गया है पता है पटवर्धन पार्क। इधर अगल बगल में देख सकते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ बनेगा शायद, जिसकी वजह से उबड़ खाबड़ पूरा कोड़ ओढ़ दिए हैं। तो बहुत दिन के बाद आई हूँ इसलिए मैं थोड़ा राउंड लगा रही हूँ। और यहाँ पे ना रेल्स क्वीन लोग ना रेल्स शूट कर रहे हैं, जो कि आप सब जानते होंगे, बहुत कोई जान रहे हैं, मेरा व्लॉग जो कोई भी देखते हैं वो लोग जान रहे हैं कि अमृता फिर की अमीज है वो रेल्स बना रही है।
तो इनका व्लॉग, इनका रील्स कैसे सूट होता है आप लोग देखिए व्लॉग में। चलो मेरे व्लॉग में आ रहे हो आप लोग। अरे तो जैसे कि आप सब देखिए, अमृता भी यहाँ पे रील्स बना रही है, फिर उसकी जो भी फ्रेंड उसके साथ में रहती है वो भी रील्स बना रही है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम मिली उससे, पता है उसको इंस्टाग्राम में देखती थी उसका वीडियोस वगैरह, लेकिन कभी नहीं मिली थी, तो आज फर्स्ट टाइम मिली। और यहाँ पे नहाएंगे तो यही चीज़ अच्छा है यहाँ पे पटवर्धन पार्क में, कि भले ही अनजाने में आएंगे आप लोग, कोई भी यहाँ पे अनजाने में आएंगे, लेकिन अपनों से ना मिल ही जाते हैं, अपने साइड वाले या किसी से भी जान परिचय वाले लोग से ना मिल ही जाते हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं घूम रही हूँ पटवर्धन पार्क में, और इधर पूरा मार्केट लगा हुआ है, मैं भी जाऊँगी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो अभी चर्च से निकल गए हैं और भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर भी सब साइड, और बीच साइड नहीं घूम सकते हैं, अभी बंद कर दिए हैं बारिश की वजह से, गीला गीला बैठ भी तो नहीं सकते ना, बस वो बैठने के लिए है, तो इधर का पूरा बंद कर दिए हैं। तो इधर पूरा घूम रहे अभी चर्च से निकलने के बाद, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये फूल प्यारा प्यारा। तो ना पूरा बारिश ख़त्म होते होते ना इधर का पूरा घास ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन लगेगा। और इधर देख सकते हैं अपने साइड वाले भाई बहन घूमते फिरते कादो कीचड़ में। तो एलेक्स बहुत दिन के बाद में दिख रहा है, तू तो छोड़ दिया है रे, कंटिन्यू भी नहीं रखता है। इधर अपने साइड वाले भैया लोग यहाँ पे रिंकिंग रोड में डीएमसी वाले आ गए हैं, जिसके वजह से सबको पूरा हड़बड़ी से उठा रहे हैं पूरा सामान को। तो अभी 6:30 बज रहा है और मैं ट्रेन से उतर गई हूँ, और बहुत जल्दी मैं आज बिल्डिंग जा रही हूँ, मतलब बहुत जल्दी स्टेशन पहुँच गई और जल्दी भी जा रही हूँ, तो इसलिए बस में टैक्सी में ना जाके पैदल जा रही हूँ मैं। अभी तो ब्रिज के ऊपर हूँ, पैदल जा रहे हैं और बारिश हो रहा है नीचे, चलते हैं पैदल। और यहाँ से ऊपर से ना नीचे का व्यू कुछ ऐसे लगता है, यहाँ पे आजकल बहुत अच्छा कर दिए हैं, तो नीचे का व्यू ना बहुत सुंदर लग रहा है, पता है आजकल बहुत अच्छा कर दिए हैं यहाँ पे। तो मैं बिल्डिंग पहुँच गई और आज मैं अच्छा लगा, जो भी था जैसा भी था, थोड़ा सा घूमना था, बहुत अच्छा लगा, माइंड फ्रेश। इतने दिन से पूरा अंदर अंदर पूरे 2 हफ्ते नहीं निकली थी गांव से आने के बाद में, तो आज निकली। और पता है आज मैं अनंत अंबानी को देखी, मैं वहाँ पे तो कैमरा भी अलाउ नहीं है ना, तो मैं नहीं दिखा पाई आप सबको, वैसे मैं पार हो रही थी तो निकले थे पूरा अंबानी बंगलों का गेट खुला था, कोई आए थे शायद मेहमान वाले को छोड़ रहे थे, तो फिर निकले थे बाहर देखिए। तो फिलहाल तो मैं बिल्डिंग पहुंच गई और आज कुछ भी नहीं है दिखाने को, फिलहाल पहुंच गई हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक चीज़, 7 बज रहा है, कोई यकीन करेंगे गाँव साइड वाले, 7 बज रहा, इतना उजाला, तो इतना ही बताना था, इतना उजाला मुंबई में 7 बजे शाम को।